प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की एक स्पेशल यूनिट इलास्टिसिटी, और जिसमें हम इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के रिलेशनशिप स्टडी किया था। पिछले जो हमारा इस इलास्टिसिटी का थर्ड वीडियो था, उसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो में रिलेशनशिप सेटअप किया था। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप सेटअप करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशनशिप। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको मैं स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले कि इसमें अब हम ये जो आप देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे। वहीं से हमें कुछ जो आगे के स्टेप्स हैं उनका कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। यानी कि जो हम जानते हैं कि जो शियर मॉडुलस होता है, दैट इज इक्वल टू, जो अब हमें पोजीशन क्लियर हो गई है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक क्यूबिकल बॉडी कंसिडर करेंगे और फिर उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, कितना शियरिंग स्ट्रेंथ डेवलप होता वो निकालेंगे, इसमें रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी, कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी ईच ऑफ लेंथ, जिसकी जो प्रत्येक लेंथ है वो एल है। यानी आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, और ए बी सी डी, और ये इसकी बाकी की साइड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंट टर्म्स हैं, प्रत्येक साइड जो है यहाँ पर L है। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए। जैसे ही ये वाली साइड फिक्स रखेंगे, AD साइड जो दिखाई दे रही है ये फिक्स है, और यहाँ पर अब हम स्ट्रेस, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो अप्लाई करेंगे। ये देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया कह सकते हैं इसे, और इसे हम T कह रहे हैं, टेंशन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगा। यानी कि जब इस साइड को फिक्स रख के ऊपर की साइड में हम फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे अलोंग द टेंजेंट, जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कह रहे हैं, तो ये वाली साइड टर्न हो जाएगी। ये देखिए इस एंगल पर, यानी कि ये पॉइंट बी डैश आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट सी डैश, जो सी बी यहाँ था वो यहाँ गया है, सी यहाँ गया है। यानी कि कितने एंगल पर ये टर्न कर गई है, इसी एंगल को हम शेयरिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब हमने इस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया था, उस समय बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई थी, उस समय इसका जो डायगोनल है वो AC है, और ये वाला डायगोनल जो है ये BD है। देखना मेरे साथ साथ डायग्राम। और जैसे ही बॉडी पर हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे, तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। आफ्टर डिफॉर्मेशन ये जो AC है ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये वाली पोजीशन ये हो गई है यहाँ पर AC डैश। इसके ऊपर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये एंगल है 45 डिग्री, और इसको E से लिख देते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये स्मॉल L है जो चेंज हुई है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्या, देखिए, ये तो हमें पता है कि हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना अप्लाई किए हैं वो ये है, और शियरिंग स्ट्रेंथ कितना डेवलप हुआ है वो ये है। अब जो AC में जो फोर्स लगाया है टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से, AC में चेंज आया है, कितना चेंज आया है, EC डैश। तो इसे हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो इस ट्राइंगल से AC डैश निकल जाएगा, ये जो एक्सटेंशन इन AC है, और एक हमारे उस फार्मूले की वजह से, जैसे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो AC में जो एक्सटेंशन है वो पता चलेगी। चलिए शुरुआत क्या किया था हमने, कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी ईच ऑफ लेंथ L, F by A, इट इज इक्वल टू, आप इसको ये कह सकते हैं F by L square स्ट्रेस।
और थीटा इज द शियरिंग स्ट्रेंथ, टेंजेंशियल स्ट्रेस एट द अपर सरफेस कीपिंग दिस लोअर साइड फिक्स, आप यही तो लिखेंगे यहां पर, अप्लाई टेंजेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू इट द बॉडी गेट डिफॉर्म, आप बताइए नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होगी, यहां से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम नीटा से लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस जो कि टी है और शियरिंग स्ट्रेन थीटा, यानी कि इसको जब हम जरूरत हमारी होगी तब हम इसका यूज करेंगे, नीटा किसके बराबर आ गया आप समझ सकते हैं टी वाई थीटा, क्वेश्चन वन कह देते हैं। नाउ अब देखिए जब हमने ये टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगाया था यानी कि बिफोर डिफॉर्मेशन द लेंथ ऑफ द डायगोनल कितनी हो जाएगी, ए सी है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, ए सी कितनी हो जाएगी, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए सी का स्क्वेयर यहाँ से देखना, ए सी का स्क्वेयर इजकल टू ए डी का स्क्वेयर प्लस दिस डी सी का स्क्वेयर यानी कि एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं टू एल स्क्वेयर और ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा एल रूट टू, यानी कि ये वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी, ए सी हमारे पास आ गया है ए सी इजकल टू एल रूट टू, इसका हम आगे चल के यूज करेंगे। अब देखिए एक तो एसी हमने ओरिजिनल निकाल लिया है, अब इसमें बढ़ोतरी जो हो रही है इस जब वो किस वजह से होती है, यानी कि इंक्रीज इन एसी ड्यू टू टू फैक्टर्स, दो तरीके से इसमें बढ़ोतरी, देखिए एक तो आप इसको इधर खींचेंगे एक्सटेंड करेंगे तो भी एसी में बढ़ोतरी होगी, दूसरा जब अगर हम इसको इधर से कंप्रेस करें तब भी इस एसी में इंक्रीज होगा, देखिए इसको ऐसे करेंगे तो इधर इंक्रीज होगा, इसको खींचेंगे तो भी इंक्रीज होगा, आफ्टर डिफॉर्मेशन द इंक्रीज इन एसी इज ड्यू टू, ये दो रीजन की वजह से होगा, एक तो होगा ड्यू टू एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग एसी, ये देखिए इस एसी के अलोंग अगर हम एक्सटेंशनल स्ट्रेस अप्लाई करें तो, दूसरा इस बीडी के अलोंग अगर हम कंप्रेशन करें तो भी, यानी कि ड्यू टू नल स्ट्रेस अलोंग बीडी, ये चीज़ होगी, यानी कि बी डी को अगर हम इधर कंप्रेस करेंगे तो भी ए सी में इंक्रीज होगा। एक और पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया था, ये देखिए कि इफ अल्फा इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, यानी कि यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेस की डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन डेवलप होता है उसे हम अल्फा से लिखते हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, और बीटा क्या है इज द लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, यानी कि ये जो स्ट्रेन है ये जब हम यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे हम बीटा से लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों की वजह से एक्सटेंशन एक इन एसी कितना हो जाएगा, नाउ एक्सटेंशन इन एसी वही बात है, पहला अल्फा टी टी इंटू अल्फा, ये तो यूनिट स्ट्रेस की वजह से
और टी ट्रांजिशन और इनटू एसी। दूसरी जो डेवलपमेंट इसमें हो रही है वो देखिए टेंशन इनटू बीटा इनटू एसी, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि बीडी के को कंप्रेस करने से भी एसी में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कुल एक्सटेंशन जो यहाँ हो गई है वो होगी टी इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एसी। और प्यारे बच्चों एसी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं तो वो वैल्यू भी आप यहाँ रख दीजिए, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा टी इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टू। ये देखिए यहाँ तो एल तो है ही एल रूट टू, ये इसे इक्वेशन नंबर हम टू दे देते हैं। एक्सटेंशन एसी निकाल लिया, एक फिगर में और देखिए जो एसी में बढ़ोतरी, देखो यहाँ से ए सी ए ई यहाँ तक तो सेम है, जो इंक्रीज है एक्सटेंशन है एसी में वो ई सी डैश है, जो हम इस ट्राइंगल सी ई सी डैश इस ट्राइंगल की सहायता से निकाल सकते हैं। आल्सो फ्रॉम फिगर एक्सटेंशन इन एसी इज ई सी डैश, ये देखिए ई सी डैश यही तो है एक्स्ट्रा, यहां तक तो सेम है। अब बताइए इन ट्राइंगल सी सी डैश ई इसमें बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री, ये कोस 45 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस कितना है इट इज इक्वल टू ई सी डैश डिवाइडेड बाई दिस एल, और कोस 45 की वैल्यू आप पहले से जानते हैं और ये कितना हो जाएगा ई सी डैश, यानी कि एक्सटेंशन इन ए सी ही है ये इट इज इक्वल टू एल, और कोस 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2। अब दो तरीके से ए की, एक एक्सटेंशन इन ए सी हमने इस तरीके से निकाला है इक्वेशन टू में, और ये है इक्वेशन नंबर थ्री, ये भी एक्सटेंशन इन ए सी ही दे रही है, तो दोनों एक ही चीज़ दे रही हैं इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि इक्वेशन टू इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री, क्योंकि तीनों दोनों जो है एक ही चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रही हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं टी इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर टू है जो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एल इंटू रूट टू और इट इज इक्वल टू एल बाई रूट टू, दोनों को हमने यहाँ इक्वेट कर दिया है। अब आप देखिए इस टू को हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं टी इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एल इंटू टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने भी यहाँ टू लिख दिया है, और ये देखिए ये जो एल है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं एल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एल भी नीचे चला, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये ऊपर ही आ जाएगा, और ये जो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ से हम इसमें से अल्फा की वैल्यू बाहर ले लेते हैं, यानी हम लिखेंगे टी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टू डिवाइड बाई एल बाई एल एंड इट इज इक्वल टू वन अपून, इसमें से अल्फा कॉमन लिया वन प्लस बीटा बाई अल्फा, ये देखिए। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, ये देखिए हम जानते हैं एल बाई एल ये है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और ये वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए ये इसमें तो ये है हमारे पास थीटा इज द शीयरिंग स्ट्रेन, शीयरिंग स्ट्रेन, तो हम एल बाई एल के स्थान पर थीटा लिख सकते हैं। और एक और बात मैंने बताई थी कि वन बाई अल्फा क्या है इट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और ये देखिए बीटा बाई अल्फा इसके स्थान पर भी मैंने आपको बता दिया था वो क्या था पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, ये है इज द पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। अब ये तमाम वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास आता है ये देखिए टी बाई थीटा, एल बाई एल के स्थान पर हमने थीटा लिख दिया है इंटू टू एंड इट इज इक्वल टू वन बाई अल्फा के स्थान पर हम यंग्स मॉडुलस लिख रहे हैं वाई, वन प्लस बीटा बाई अल्फा के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं सिग्मा,
इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। देखिए टी बाई थीटा ये किसके बराबर है, ये हमारा मोडलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी कि इसके स्थान पर हम 2 इंटू ये लिख सकते हैं एन इट इजिकल टू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा। इसको थोड़ा सा देखिए हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये देखिए इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, आप देख रहे हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। और यही वो रिजल्ट है जिसके लिए हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये रिजल्ट आपको दे सकते हैं, ये रिलेशन आपको पेपर में दे सकते हैं, आपसे कहेंगे प्रूव दिस रिजल्ट या प्रूव दिस रिलेशन वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, वाई इज दी यंग्स मॉडुलस, ईटा इज दी शियर मॉडुलस और इट इज़ दी पॉइजन्स रेशियो। या फिर आपसे कह सकते हैं कि सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द पॉइजन्स रेशियो। तो प्यारे बच्चों ये देखिए हमने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में भी रिलेशन निकाल लिया है, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के बीच में भी निकाल लिया है। अब इन्हीं रिलेशंस को, इन दोनों रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, दोनों को सेपरेटली प्रूव करवा सकते हैं। और एक बार जब आप इन दोनों रिलेशंस को प्रूव कर लेते हो तो जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, जैसे किसी में सिग्मा होगा, किसी में वाई नहीं होगा, किसी में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें, और उसके लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो यही है लेक्चर कि डिफरेंट और क्या कम्बिनेशन बनती हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशंस की, उनको भी हम देखेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।